देखो आ रहा है सुपर बाइक नहीं भाई, ये आ रहा है। और ये देखो हाथी आ गया, हाथी। अगर पुलिस लोग पकड़ेंगे तो उनको थोड़ा घुमाना पड़ेगा बातों में। तेरा घर किधर है? लूंगा तो ड्यूक 390 ही लूंगा भाई। क्या क्या तू टूट गया लग रहा है। तो गाइस ये कौन सा फल है? हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे आप लोग? आशा है आप लोग सही रहे, खुश रहे, मस्त रहे, और मैं भी मस्त हूँ। तो इसीलिए आज मैं जा रहा हूँ गांव जा रहा हूँ, शादी है। अभी टाइम हो रहा है 9:15 हो रहा है, तो अभी निकलते 9:30 हो जाएगा। लेकिन पैकिंग क्या हुआ है देखिए, ये तो ब्लॉगिंग चलेगा, और ये भी बैग है, और ये दो ठो पैंट भी है, इसको भी पैकिंग करना है। वो वाला भी बैग है, उसमें मेरा ब्लेजर है। लाइफ में फर्स्ट टाइम जो भाई का शादी में पहनूंगा ब्लेजर। तो चलो अभी चलते हैं खाने के लिए। खाना खाने के बाद फटाफट खाएंगे, उसके बाद निकलेंगे डायरेक्ट रोड पे। आप लोगों के साथ बहुत सारे बात करना है आज। रोड में क्या क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, रोड पे उतरेंगे, रोड के आगे जाएंगे, देखेंगे क्या मिलेगा। तो निकलते हैं अभी। गाइस देखिए, अभी मैं घर से कम 15 किलोमीटर दूर चले आया हूँ, और काफ़ी बहुत धूप हो रहा है। निकलते हैं। बाइक पे मिरर रहना ज़रूरी है, कैमरा ऑन करेंगे पता चलेगा कि नहीं? पता चल गया। और यहीं से आप लोगों को थोड़ा सा खूबसूरत व्यू दिखाता हूँ। ये देखिए है ना गाइस, खूबसूरत व्यू। और छोटा सा पेड़ है, तो यहीं पे थोड़ा सा रुक गया, पानी पी लिया। अभी निकलते हैं। आज मैं क्या क्या बोलूँगा मैं सोच के रखा हूँ, बहुत सारे बोलना है, और आप लोग घबरा जाएंगे। अरे ये क्या क्या बोल रहा है यार, ब्लॉक करेगा तो ऐसा बोलेगा क्या, ऐसे ही सोचेंगे आप। ये देखिए डंपर जा रहा है, हाईवा जा रहा है। और इधर देखो गांव है, एक ठो छोटा सा गांव है। और इधर देखो ट्रैक्टर जा रहा है। देख रहे हो ना गाइस क्या क्या मैं बोल रहा हूँ, ऐसे ही आज बोलूँगा और क्या करूँगा। और देखो इधर टायर, पुराना वाला टायर इधर लगा दिया है, लेकिन वहाँ पे बैठने वाला आदमी कोई नहीं है। किसी का अगर टायर पंचर हो गया तो फंस गया बेचारा। जय जगन्नाथ, वहाँ पे ओडिया भी लिखा था जय जगन्नाथ, पेट्रोल पंप में लिखा था। 1, 2, 3 लंबा ट्रक, मतलब ज़्यादा चक्का वाला ट्रक एक ही लाइन पे खड़ा है। इस रोड पे अगर आप लोग सफ़र कर रहे हो, आप लोग ये ना सोचे कि टाउन से बाहर हो गए मतलब कुछ नहीं मिलने वाला। ये देखो टाउन से मैं कम से कम 15 किलोमीटर दूर से बाहर हो गया हूँ, फिर भी ये सब देखने के लिए मिल रहा है। और पीछे कौन आ रहा है? और मारा था, अच्छा बोलेरो आ रहा है, बोलेरो महिंद्रा बोलेरो। क्या क्या बोल रहा हूँ देख रहे हो? जो ऐसा बात करते हुए ब्लॉग करता होगा ना, अगर वो देख रहे हैं उनको ऐसा कुछ नहीं लगेगा, लेकिन जो लोग ऐसा बात करते हुए ब्लॉग करते हैं ऐसा सोचेंगे उनको थोड़ा अजीब लगेगा। गांव जा रहा हूँ, शादी है, मेरा मामा का लड़का का शादी है, तो कपड़ा लेके जा रहा हूँ। ये वाला जो कपड़ा है मेरा वाला है, उसके लिए तो वो लेके गया है पहले से। धूप में बाइक चलाना कैसा लगता होगा बोलिए, अच्छा लगता होगा? आजकल डेट में भी कितना बाइकर्स राइडर्स जो भी समझ लो, मैं हर टाइप का बोलता हूँ, तो कितना लोग सोचते होंगे कि अरे धूप में क्या राइड करेगा ये, ऐसे बात नहीं है भाई, धूप में राइड करो। शरीर में पानी ज़्यादा होना चाहिए, पानी ज़्यादा होगा ना शरीर में, बॉडी थोड़ा ठंडा रहेगा तो अब राइड कर पाओगे। सिर्फ जोश होने से राइड नहीं कर पाओगे, पानी नहीं पियोगे, खाना नहीं खाओगे, ऐसे ही धूप में बाइक चलाते होगे और बोलोगे नहीं मेरा जोश है। जोश से कुछ नहीं होगा भाई, जोश के साथ साथ खाना पीना का भी ज़रूरी है। ये सब अगर ध्यान रखोगे आगे लॉन्ग राइड कर पाओगे। जा धूप 45, 46, 50 क्यों ना हो।
एक बाइक में चार चार, दो बच्चा, एक माँ, एक बाप। ये देखो ऑटो वाला, ये देखो स्कूटी वाला। इधर टूटा हुआ पाइप पड़ा हुआ है, मैं जिस दिन घर जाऊंगा ना इसको उठा के लेके चले जाऊंगा। यहीं से मेरा गांव और कितना किलोमीटर होगा, 80। देख रहे हो सन्नाटा ही सन्नाटा है। पहले तो पेड़ वगैरह साइड में था, ज़्यादा पॉपुलेशन होने के बावजूद थोड़ा सा रोड को वाइड कर दिए। आज रोड थोड़ा खाली लग रहा है, अच्छा है। वैसे भी संडे भी है, आज संडे है, रोज खाओ अंडे है, मतलब संडे के दिन में अंडे खाओ। आज ऑफिशियली सबका छुट्टी है भाई, सब लोग घर में बैठे हैं और मैं घूम रहा हूँ। मैं कहाँ घूम रहा हूँ, मुझे जाना जरूरी पड़ रहा है कि कल शादी है, इसीलिए जाना जरूरी है। पेट्रोल टैंक एंड डीजल टैंक। और रोड तो काफ़ी खूबसूरत रोड है, दोनों तरफ तो कंप्लीट नहीं हुआ है, आधा आधा कंप्लीट हुआ है। मैं कैसे लटका के लेके जा रहा हूँ और मेरे सामने दिखाता हूँ आप लोगों को कैसे लटका के लेके जा रहे हैं। अभी तो डब्बा लेके जा रहे हैं, बहुत बड़ा डब्बा जैसा, बाल्टी जैसा है क्या। ये देखो गाइस, देख रहे हो, और किधर लटका है बैग, कैसा लटका है देख रहे हो। ये गांव जाने का एक असली मज़ा है, गांव जाने में। इतना तो लॉन्ग टूर तो कोई तो लेके नहीं जा सकता, आसपास कहीं गांव जा रहे हैं तो इसीलिए लेके जा रहे हैं। एरो मार्क दिया इस तरफ, जाना इस तरफ। ध्यान से देख लो मैं कैसे कट मारा और किस तरफ से कट मारा, मतलब क्यों मारा इस तरफ कट। एरो मार्क दिया था इसीलिए, सब कुछ फॉलो करना पड़ता है भाई। ये देखो गाइस कैसे रहते हैं ये लोग भाई, लेकिन धूप के मौसम में उनके लिए ठंडा ही ठंडा है, ऐसे कोई काम का नहीं ऐसे घर से, बहुत ठंडा लगता है भाई। ये क्या लेके जा रहा है, अबे एक बच्चा को बैठाया है एजबेस्टर के ऊपर, और एजबेस्टर को देखो कैसे लेके जा रहा है वो, और बच्चा भी आराम से बैठा है, मज़ा कर रहा है। रोड अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, थोड़ा थोड़ा है, कहीं पे थोड़ा सा स्ट्रेस व्रेस वगैरह हो गया है, इसीलिए इधर उधर घुसाना पड़ रहा है। ये देखो, लेकिन उधर से वो कार वाला आ रहा है इधर, वाह, उसको तो रूल काफ़ी बहुत ही अच्छी तरह से पता है, इसीलिए होता है क्या एक्सीडेंट होता है ना, इसी वजह से होता है एक्सीडेंट। मैं पानी धूम पी लिया था, घर से पी के आया था 1 लीटर, फिर भी गला सूख गया, वहाँ रुकना पड़ा, इसीलिए दौड़ा रहा हूँ अपना बाइक को। बॉडी में एनर्जी चाहिए, एनर्जी कौन सा टाइप का एनर्जी, टाटा ग्लूको एक तो लेना पड़ेगा कहीं पे रुक के। अभी तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो स्टोर वगैरह आगे दिखाई देगा शायद, शायद नहीं दिखाई ही देगा, और 10-12 किलोमीटर के बाद। गाइस इतना धूप हो रहा है, मैं तो पहना हूँ हेलमेट, और ये सर जी को देखो नहीं पहने हेलमेट, क्यों हेलमेट पहने के, हमारे घर पास है इसीलिए हम हेलमेट नहीं पहनते हैं, हाँ नहीं। हाँ देखा, इस तरफ देख लिया, मैं उनको बोला ना सुना दिया, ऐसा कुछ नहीं देखा, मैं उनके तरफ घूर के देखा कैमरा पे लाने के लिए, और लाया ना। ओ बात करते करते अगर ध्यान थोड़ा नहीं देंगे ना, यहीं पे मेरा पलटी हो सकता था, कैसे थोड़ा सा नज़र लग गया, लगाना चाहिए, अगर नहीं लगाएंगे ना बहुत ही मुश्किल में पड़ सकते हैं, सच बोल रहा हूँ, ये झूठ बोलने वाला चीज़ नहीं है। क्या रे पॉकेट के अंदर क्यों हाथ घुसा दिया, फोन आ रहा क्या, गर्लफ्रेंड फोन कर रहा है, ये सारजी धूप खाने के लिए मज़ा लग रहा क्या, साइड में खड़ा होके फोन पे बात कर रहे हो धूप खाते हुए, और इधर देख रहे हो जंगल 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 जंगल, पता चले मोगली का देखे ना, मोगली जो मूवी देखे हो ना,
जंगल जंगल पता चले, और हम कहाँ चले, गांव चले। देखो आ रहा है सुपर बाइक, सुपर बाइक नहीं भाई, ये आ रहा है R15 भाई, R15 काफी खूबसूरत लगता है। उसका जो दोनों हेडलाइट का जो आंखें जैसा दिखता है ना हेडलाइट भाई, उसका आंखें ना जबरदस्त है, जबरदस्त R15 का सबसे जबरदस्त आंखें जैसा है भाई। काफी बहुत स्पीड से जा रहा था और हेलमेट पहना था एक्सर का। बाइक जैसा पकड़ोगे कम से कम हेलमेट भी ऐसा पकड़ना चाहिए। राइड करने में ये सब देखने से बहुत ही अच्छा लगता है। ओ भाई धूप तो बहुत जोर लग रहा है, और मैं बक 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 करते हुए गला सूख गया है मेरा। बैठ के क्या देख रहा है, गांव के लोग ना गांव में ज़्यादा रहते हैं तो शहर बहुत कम घूमते हैं। जो लोग थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई किए हैं, थोड़ा सा नॉलेज वगैरह है, धंधा वगैरह करते हैं तो वो लोग थोड़ा जाते हैं। जो अगर जो लोग ये सब नहीं करते हैं, रोड के साइड में बैठे रहते हैं, बाइकिल वगैरह बाइक से लेके छोटा मोटा जितना जाता आता करता रहता है, ऐसे सर को इधर से लेके उधर तक, उधर से लेके उधर तक घुमा फिरा के देखते रहते हैं। और ये देखो कितना भीड़ है रे भाई, कहाँ जा रहे हैं, बस नहीं मिल रहा क्या? बस नहीं मिलने से ऐसे ही जाते हैं। और ये देखो हाथी आ गया, हाथी डुप्लीकेट हाथी, इसका बोर्ड देख रहे हो, ये हाथी जाने वाला क्रॉसिंग रास्ता है इसीलिए बोर्ड लगा दिए। उतना टाइम से ये रोड पे जाते हुए पहले देखने के लिए मिला ये होटल श्री मिल्स एंड टिफिन वेज एंड नॉन वेज आमिषा और निरामिषा शाकाहारी और मांसाहारी। पहले वाला तो इंग्लिश में बोला था, सेकंड ओडिया, और थर्ड में बोला हिंदी में बोल दिया, ठीक है तो समझ में आ गया। तो ये रोड पे आना, इधर खाने के लिए मिलेगा, पैसा देना पड़ेगा। खाना मिलेगा मतलब क्या, आके खा के चले जाओगे क्या? नहीं रे बाबा ऐसा नहीं देगा। ओ क्या खूबसूरत सीन है भाई, गाइस ये कैसा लग रहा है, म्यूजिक हो जाए म्यूजिक। अभी कोल्ड ड्रिंक्स पीने के लिए जगह आ गया, टाटा ग्लूको पियेंगे यहीं पे। यहाँ पे एक स्टोर है मेरा जान पहचान, उनसे थोड़ा पी लेंगे, पैसा नहीं देंगे ऐसा ही करके। और ऐसा फ्री है भाई। तो गाइस अभी मैं कोल्ड ड्रिंक्स पी लिया, और ये तो मेरा लगेंगे साड़ू, अभी देख रहे पीछे की तरफ। गाइस किसी को अगर कोल्ड ड्रिंक्स पीना है तो ये मेरा साड़ू का स्टोर है, यहाँ पे आ जाइए और पैसा नहीं लगेगा, मेरे नाम से पी लेंगे। लेकिन मुझे कांटेक्ट करना पड़ेगा, पता कैसे चलेगा कि आप ये हैं? मुझे भी थोड़ा फील होना चाहिए कि हाँ मेरा कोई जान पहचान इधर आके पिए ना भाई। तो चलते हैं धूप भाई, अभी बहुत जल लग रहा है। अभी साडू का दुकान में आया, कम से कम 40 मिनट में वहाँ पे खड़ा हो गया, रिलेशन बन गया ना जिस दिन से, तो उसी दिन से मैं जब आता हूँ इसी रोड पे तो उनका दुकान में थोड़ा रुकता हूँ, आधा घंटा 40-45 मिनट ऐसा रुकता हूँ, उसके बाद आगे जाता हूँ। और साडू ने मुझे एक थम्सअप पिला दिए, उसका क्या कैप्चर करेंगे, अगर दिखाएंगे ना पेट दर्द देगा। गाइस मैं इतना धूप में जो राइड करते हुए जा रहा हूँ, आप लोग जो देख रहे हैं कैसा लग रहा है थोड़ा सा फील कीजिए और कमेंट करिए कैसा लगता होगा इतना धूप में। अभी टाइम हो रहा है 1 बज रहा है, लेकिन जो भी हो अच्छा तो लग रहा है, अच्छा ही लगेगा, पेट भरा लिया ना, साडू के दुकान में मिल गया ना कोल्ड ड्रिंक्स, इसीलिए पेट भर लिया, 2-3 गिलास मार लिया भाई।
पेट ठंडा रहेगा तो माइंड ठंडा रहेगा, माइंड ठंडा रहने से माइंड एक्टिव करेगा बॉडी को, तो तब जाके राइड कर सकते हैं ऐसा धूप में। गाइस कितना खूबसूरत व्यू नज़ारा मिल रहा है इस रोड पे, देख रहे हो गाइस, सच में ब्यूटीफुल प्लेस और ब्यूटीफुल रोड प्लेस ये है, रोड ये है। सबसे और एक प्रॉब्लम, आगे पुलिस मुझे ना रुकवाए तो सबसे अच्छा होगा। नंबर प्लेट नहीं है, क्या करूँ। नंबर प्लेट के लिए आप लोगों को मैं अपना पिछले वाला वीडियो में बोला था, पुलिस स्टेशन जो गया था तो एक एप्लीकेशन लिखना था ये वो, आज जाऊंगा कल जाऊंगा करके चला गया दो तीन दिन। देखेंगे अगर पुलिस लोग पकड़ेंगे तो उनको थोड़ा घुमाना पड़ेगा बातों में, तब जाके मज़ा लगेगा, मुझे भी मज़ा लगेगा, जो लोग देखते होंगे ना उनको भी ज़्यादा मज़ा लगेगा। गाइस देखो मैं तो फ़ोन कर रहा था घर के लोगों को, और घर के लोग इसीलिए मुझे थोड़ा फ़ोन कर रहे थे तो मैं थोड़ा रुक गया। और ये भाई जा रहा था, भाई बोल रहा है सीसी कैमरा है क्या, सीसी कैमरा बोल रहा है। और कहाँ जा रहा है, तेरा घर किधर है, तेरा घर किधर है। बोल रहा घर नहीं है क्या, बोल रहा भी। हर बच्चे लोगों को पता है ये राइडर्स है, पता है फिर भी हेलमेट पे मैं कैमरा लगाया हूँ, फिर भी पूछ रहा है, सीसी कैमरा बोल रहा है। आजकल जो ऑफिशियली में जो लगता ना तो सीसी कैमरा, उसी को हिसाब में उसी हिसाब से वो सीसी कैमरा बोला। दक्ष्य ढावा 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 ढम ढमा ढम ढावा। अभी थोड़ा एनर्जी लॉस होने लगा है शरीर से, इसीलिए थोड़ा सा मज़ा नहीं आ रहा है। गाइस घर में कुछ ऐसा प्रॉब्लम है जो अभी नया बाइक नहीं ले सकता, कम से कम 4-5 महीने के बाद ले लूँगा ड्यूक 390, जो मेरा सपना था वो नहीं हो पाएगा। फिर भी अभी थोड़ा 50% बोल रहा हूँ नहीं लूँगा, लूँगा तो ड्यूक 390 ही लूँगा, अभी तक क्लियर भी नहीं हूँ मैं। और एक बात, अपना बाइक को बेचना पड़ेगा, इसको अगर नहीं बेचेंगे तो लेंगे कैसे, इसको भी बेचना चाहिए। और पैसा कहाँ आएगा, इसको बेचेंगे पैसा थोड़ा आएगा और उसमें और कुछ मिसाएंगे मतलब मिलाएंगे। ब्रूम गाइस ये कौन सा बाइक गया, ये शायद मुझे लग रहा है लग रहा है अच्छा डोमिनर, शायद 250 ऐसा हो सकता है। ये वाला रोड में ज़्यादा का ज़्यादा बाइकर्स देखने के लिए मिलता है, उस तरफ भी रोड है और इस तरफ रोड है, तो मैं क्या प्लान कर रहा हूँ कि उस तरफ जाऊँगा, लेकिन नहीं उस तरफ नहीं जाएंगे, अभी चलते हैं आए हैं तो, लेकिन उस तरफ भी रोड है और इस तरफ भी रोड है, चलते हैं। आ तो गए हैं, ये रोड पे चलते हैं, ये रोड पे जाएंगे तो गांव पहुंचते हुए थोड़ा सा दूर पड़ेगा और वो वाला शॉर्टकट है। ये रोड पे ज़्यादा का ज़्यादा एक्सीडेंट होता है, बच के जाना पड़ेगा भाई, देख रहे हो यहाँ चक्का खराब हो गया भाई, क्या क्या टूट गया लग रहा है। लेकिन गाइस मुझे रुकना पड़ा, थोड़ा सा बैक होते हैं, एक भाई वहाँ पे बेच रहा था, जो हमारी उड़िया में बोलते हैं केंदू बोलते हैं, और हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, देखते हैं थोड़ा। क्या भाई ये केंदू है, क्या रेट इसका, 30 रुपया। अच्छा यहाँ पे खड़े होके 30 रुपये में बेच रहे हो, दो 20 रुपये में दो कि 10 रुपये दो, 10 रुपये। तुम्हारा घर किधर है, इधर है क्या, है। अच्छा कौन सा गांव है, गांव का नाम क्या है, जन्नवदा। क्या जन्नवदा, जन्नवदा, अच्छा अच्छा ठीक है। अभी लेता हूँ, और भाई तो काफ़ी धूप में खड़ा होकर बेच रहा है,
जंगल के अंदर है उसका घर। तो गाइस ये कौन सा फल है? मैं तो ये हमारे ओडिया में बोलते हैं, केंदू बोलते हैं। ये देख लो, ये ऐसा वाला चीज़ है। तो हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, तो आप लोग सोच लीजिए और कमेंट दीजिए ये कौन सा फल है। तो अभी ले लिया, और भाई देख रहे हो काफ़ी मेहनत कर रहा है धूप के साइड, धूप में साइड में खड़ा होकर रोड के साइड में। चलो अभी इसको लेके जाएंगे, अभी खाएंगे रूम पे। अरे कहाँ पे रखूँगा इसको, यहीं पे रखते हैं, चलते हैं अभी। लोगों के ना लो ऐसा सोच रहा था, फिर दया आया फिर दया थोड़ा आया, तो इसीलिए सोचा कि चलो ले लेते हैं। वो इतना मेहनत करके रोड के साइड में खड़ा है, चलो उसके लिए भी कुछ पैसा हो जाएगा, सबसे अच्छी बात है। ये आगे जो जा रहा है ना, हमारे गांव के आसपास का एक लड़का है, मैं इसको जानता हूँ। और ये अभी इसको डराता हूँ, देखो गाइस देख रहे हो, वो मेरे को फिर बुला रहे, होएस 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 बोल रहा है मैं इसको जानता हूँ ना, लेकिन वो मुझे नहीं जानता है। मैं हेलमेट लगाया हूँ, लेकिन अभी वो रुकेगा, मैं तो रुक जाता हूँ अभी, लेकिन जान पहचान नहीं दूंगा अभी। गाइस अपना भाषा से थोड़ा उसके साथ थोड़ा बातचीत किया, लेकिन थोड़ा सा घबराया, लेकिन फिर भी समझ में आ गया थोड़ा कि अरे ये तो वो भाई है जो उसका मामा का गांव यही है। तो चलो पहचान तो लिया, हेलमेट इतना टोटल सब ढक के रखा हूँ फिर भी पहचान लिया, अच्छी बात है भाई। इसको इसी को बोलते हैं रिश्तेदार। गाइस अभी देखना गांव का लोग जो देखेंगे घूर घूर के देखेंगे, क्यों बोलो, कभी हेलमेट यूज़ नहीं करते ना। तो मैं अभी हेलमेट पहन के जा रहा हूँ, तो उन लोग का अंदर ऐसा सोच आएगा, अरे ये कौन है रे हेलमेट लगाया है, ऐसा ही घूर के देखेंगे। एक तो वहाँ पे देखें, अभी यहाँ पे तो और कोई नहीं है। अगर थोड़ा सा सुबह आता क्या, या थोड़ा सा शाम को आता 6 बजे के आसपास, तो सब लोग बाहर में खड़े रहते हैं, तो घूर घूर के देखते हैं। हमारे गांव देख रहे हो, अभी हमारे गांव ये जंगल के अंदर है, कैसा लग रहा है। मैं शहर के रहने वाला एक गांव आया हूँ, जो देख रहे हो जंगल पहाड़ी एरिया देख रहे हो। हम बाहर घूमने के लिए जाते हैं, पहाड़ी एरिया देखने के लिए शहर से बाहर जाते हैं, और मुझे कहाँ शहर जाने के लिए ज़रूरत है, ज़रूरत है बस वो नाम का पहचान करने के लिए। जैसे हमारे गांव का नाम ये है, एक तो यहाँ पे एक तो चारबाटी नाम का एक तो गांव है, ऐसा पहाड़ी इलाका है, वैसे भी आउटसाइड में भी ऐसा भी होता है। बस उसी नाम का एरिया में गए थे, थोड़ा सा यादें को रखने के लिए अपने मन में, तो हम लोग जाते हैं। नहीं तो पहाड़ हर जगह देखने के लिए मिलता है। ये देखो हमारा गांव आ गया गाइस, देखो देखो कितना गांव है, कितना बड़ा गांव, छोटा गांव है, इतना घर नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 70-80 घर है। देख रहे हो गाइस। अभी मैं अपना गांव पहुंच गया हूं, और रास्ते में ये जो खड़ा था ना, केंदू बोलते हैं, लेकिन हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन देखिए कैसा निकला, देखिए क्या ये देखा ना, ये देखिए मौसम के हिसाब में बहुत टाइप का फल आता है। तो ये धूप का मौसम में ये वाला फल आता है। गाइस बहुत ही स्वीट है, लेकिन आप लोगों को एक बात बोलना चाहता हूँ, क्या वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे, लेकिन और एक बात सुनिए, वीडियो कैसा लगा, वीडियो अगर अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए। तो रखते हैं, अगर शादी का ब्लॉग होगा कि नहीं होगा मैं अभी तक नहीं सोचा हूँ, अगर शादी का ब्लॉग के लिए प्लान करेंगे तो उसका भी दिखाएंगे। ठीक है, रखते हैं,
अभी चलते हैं मामा का घर। मैं पहुंच गया हूं, गांव के बीचों बीच खड़ा हूं, तो बाय बाय हमारे वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसा खा रहा हो ना, ऐसा पकड़ा हूँ, इसीलिए बाबा ऐसा बोल दिया।